नमस्कार दोस्तों। दोस्तों क्या आप अपने देश भारत से विदेश घूमना चाहते हैं, वो भी बस के जरिए? अगर हाँ तो इस वीडियो में एंड तक बने रहे, क्योंकि आज इस वीडियो में हम उन बसों के बारे में जानेंगे जो भारत से विदेश जाती हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों विदेश यात्रा का मतलब फ्लाइट से ही सफर करना समझा जाता है, लेकिन जिस तरह इंडियन टूरिस्ट ट्रेन के जरिए सरहद पार कुछ देशों की यात्रा कर सकते हैं, वैसे ही आप बस के जरिए भी कुछ देशों में जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप बस से किन किन देशों में जा सकते हैं। नंबर वन, इंडिया टू नेपाल। दोस्तों अगर आप इंडिया से नेपाल तक का सफर बस के जरिए करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दिल्ली के अम्बेडकर स्टेडियम टर्मिनल से बस मिल जाएगी। साल 2014 में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन द्वारा दिल्ली से काठमांडू के लिए बस सेवा शुरू की गई थी। ये जो बस है आपको दिल्ली से नेपाल के शहर काठमांडू तक ले जाएगी, और ये जो बस है ये दिल्ली से सुबह करीब 10 बजे चलती है। और अगर बात की जाए इसकी टिकट की कीमत की, तो इसके लिए आपको करीब 2500 रुपए पे करने पड़ सकते हैं। और जब आप बस में सफर कर रहे हो तो उस दौरान आपके पास पासपोर्ट, वोटर आईडी और अन्य दूसरे पहचान पत्रों का होना जरूरी है। नंबर टू, इंडिया टू बांग्लादेश। दोस्तों अगर आप भारत से बांग्लादेश का सफर बस के जरिए करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बस बंगाल के कोलकाता शहर से मिल जाएगी, और ये जो बस है ये आपको बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक ले जाएगी। और इस बस में सफर करने के लिए आपको 1000 से 3000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। और यह एक खास ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास सभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है, जैसे कि पासपोर्ट, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस दौरान अगर आपके पास किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट की कमी पाई जाती है तो आपके सफर को कैंसिल भी किया जा सकता है। तो इस वजह से इस बात का खास ध्यान रखें। दोस्तों आज भी कई भारतीय ऐसे हैं जिनके कई रिलेटिव बांग्लादेश में रहते हैं, तो उनके लिए बस से सफर करना एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। नंबर थ्री, इंडिया टू भूटान। दोस्तों कुछ समय से इंडियन टूरिस्ट की भूटान जाने में दिलचस्पी बढ़ी है, और इसका एक बड़ा कारण है भूटान का शांत वातावरण और शादी खर्च के मामले में यह देश किफायती होना। अगर आप भारत से भूटान बस के जरिए जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बस कोलकाता के मेन बस स्टैंड से मिल जाएगी, और ये जो बस है ये कोलकाता से भूटान के फुनसिलिंग तक जाती है। इस सफर में आपको 18 से 20 घंटों तक का समय लग सकता है, और इस देश में भी जाने के लिए आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स का होना मैंडेटरी है। और अगर बात की जाए इसकी जर्नी कॉस्ट की, तो भारत से भूटान जाने के लिए आपको 1500 से 2000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। नंबर फोर, इंडिया टू पाकिस्तान। दोस्तों अगर आप भारत से पाकिस्तान का सफर बस के जरिए करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये बस भारत के दिल्ली शहर से मिल जाएगी, और ये बस आपको सीधे पाकिस्तान के शहर लाहौर तक ले जाएगी। बता दूं कि ये बस करीब सुबह 6 बजे दिल्ली से लाहौर के लिए निकलती है, और अगर आप बस से पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बुकिंग कुछ दिनों पहले ही करनी होती है। और अगर बात की जाए इस बस के किराए की, तो इसके लिए आपको 2000 से 3000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। दोस्तों वैसे तो नेपाल और भूटान जाने के लिए आपको किसी भी प्रकार के कोई पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट है तो अच्छा यही होगा कि इसे अपने साथ रखें, और साथ ही आपके जो दूसरे आईडी प्रूफ है उन्हें भी अपने साथ ले जाएं। और साथ ही आपको बता दूं कि ये जो बस सेवाएं हैं वो समय समय पर बंद चालू होती रहती है, और इन बसों का जो किराया है वो भी कम ज्यादा होता रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।